तुमने खाना नहीं खाया, गरम कर तू। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? मामू क्या? कहाँ जा रही हो? पूछा है ना कुछ? शहीर के घर। उसने मुझे प्रपोज किया। प्रपोज किया? प्रपोज किया तो? तो उसके घर क्यों जा रही हो? तुम उससे शादी करोगी? I hope so. What? तुम पागल हो गई हो क्या? वो इंसान साइको है, तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो? यार तुम एक दफा डिसाइड कर लो, तुम मुझसे नफरत करते हो या नहीं? मैं तुमसे नफरत करता हूं या नहीं, लेकिन तुम मेरी कजन हो और मैं तुम्हें इस तरह कुएं में कूदने नहीं दूंगा। तुम्हें बेचारा बनने की कोई जरूरत नहीं है मायरा। उसने मुझसे शादी का कहा और मैंने मना कर दिया, मुझे अफसोस हो रहा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मायरा, मैं बात करूंगा अब्बा से, वो समझाएंगे तुम्हें। उसने कहा मायरा तुम तो बदले ही नहीं, तुम तो माफी का आसान रास्ता ढूंढ रही हो, तुम्हें तो दुखी नहीं है? और जब मैंने अपने दिल में झांका तो मैंने देखा कि बहुत दुख है, इतना दुख कि मैं उसके तजवीज की हुई सजा कबूल कर सकती हूं। उसके जिस्म पे ना सही तो उसके रूह पे तो मरहम रख ही सकती हूं ना मैं, उसको ये एहसास तो दिला सकती हूं कि अपनी हरकत का दुख है मुझे। कौन सी हरकत, कौन सी गलती? तुमने कोई गलती नहीं की है मायरा, तुमने कोई गलती नहीं की है। अपने गिल्ट में आकर इतने बड़ा बेवकूफाना फैसला मत करो तुम। शहीर ने जो कुछ भी किया है ना, उसे सिर्फ अपने किए की सजा मिली है बस। और तुम्हारी क्या गलती थी मुन्नी, तुम्हें किस किए का फल मिल रहा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ना हिसाब देना ही पड़ता है। तुम बस दुआ कर वो मान जाए, मना ना करे। तुम समझ नहीं रही हो, वो एक पागल शख्स है, तुम्हारी जिंदगी अजाब कर देगा। पता है, लेकिन कत्ल की सजा भी तो उम्र कैद बामुशक्कत होती है ना, ये तो सब जानते हैं। बकवास बंद करो तुम, पागल हो गई हो तुम। तुम्हें कैसे समझाऊं तुम? मैं मामू को बोलूंगा तुम्हारे, वो तुम्हारा घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। मुनीब तुम्हें तो पता है ना मेरा, मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक दफा जो जहन में आ जाता है ना सो आ जाता है, चाहता नहीं है। शट अप! गलती करके अब बेचारा बनने की कोशिश कर रही हो ना, नफरत है मुझे तुम जैसे लोगों से। अच्छा क्या था पहले जो तुमने उसको इनकार किया था, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे शादी करती हो उससे। मैं तुम्हें खाना गर्म कर दूं?